जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में एक न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। ये रिक्रूटमेंट आपकी वल्लभ भाई पटेल चेस्ट यूनिवर्सिटी दिल्ली से आप सभी के लिए रिक्रूटमेंट आई हुई है। इसके लिए ऑफलाइन एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं, आपको ऑफलाइन फॉर्म के द्वारा अप्लाई करना होगा। यदि बात की जाए ऑफलाइन फॉर्म, तो ऑफलाइन फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसका ऑफलाइन फॉर्म डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। इसका क्राइटेरिया जानने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो तो ऐसे ऑफलाइन फॉर्म के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अब चलिए इसका क्राइटेरिया जान लेते हैं। देखिए आपके फॉर्म में तो शुरू हो चुके हैं, 23 अक्टूबर 2021 से आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यदि बात की जाए फॉर्म की लास्ट डेट की, तो 22 नवंबर 2021 आपके फॉर्म की लास्ट डेट होने वाली है। आप इसका ऑप्शन नोटिफिकेशन ऑप्शन वेबसाइट पर चेकआउट कर पाएंगे, या आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी इसका ऑप्शन नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की, तो आप यदि कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपकी जो एप्लीकेशन फी है 500 रुपये होने वाली है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की और फीमेल की एप्लीकेशन फी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। इसमें मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अब बात कर लेते हो आपको अपना ड्राफ्ट कैसे पे करना, तो अपना आपको अपने ड्राफ्ट है पोस्ट ऑफिस में जाकर पे कर देना होगा। अब बात कर लेते हैं देखिए आपका एज के क्राइटेरिया के बारे में, तो आपका जो एज का क्राइटेरिया है वो 18 साल से लेकर 35 साल के बीच आपका एज क्राइटेरिया होने वाला। पोस्ट वाइज आपका अलग अलग क्राइटेरिया होने वाला है। पोस्ट के हिसाब से आपको बताता चलूंगा, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना उस पोस्ट के हिसाब से आप देखते जाना कि इसका क्या क्राइटेरिया होने वाला है। 22 नवंबर 2021 को आपकी जो उम्र है वो 18 साल हो जानी चाहिए। इसमें आप सभी को एज रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। अब बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, आपकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है। देखिए आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन डिप्लोमा पास कर लिया तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपने हाई स्कूल पास कर लिया तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले बात करें तो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए यदि आप इसके लिए अप्लाई करते हो, तो इसके लिए आप यदि आप पास ग्रेजुएशन है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क होने चाहिए। इसका जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है वो आपका 35 साल होने वाला है। यदि आप अप्लाई करते हो सेक्शन ऑफिसर के लिए, तो इसके लिए आप बैचलर डिग्री की आवश्यकता होने वाली है। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया जो है आपका 35 साल होने वाला है। यदि बात कर लेता हूँ यदि आप अप्लाई करते हो सीनियर असिस्टेंट के लिए, तो इसके लिए आपको ग्रेजुएशन की आवश्यकता होने वाली है। इसमें इसका भी जो आपका एज क्राइटेरिया है वो 30 साल होने वाला है। यदि आप फार्मेस्टिक के लिए अप्लाई करते हो, तो इसके लिए आपको बैचलर डिग्री की आवश्यकता होने वाली है। यदि आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है, यदि आपके पास 10+2 या आपके पास डिप्लोमा है फार्मेसी, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसका जो आपका एज का क्राइटेरिया है मैक्सिमम एज का क्राइटेरिया 30 साल होने वाला है। अब बात कर लेते हैं यदि अप्लाई करते हो असिस्टेंट के लिए, तो असिस्टेंट के लिए आपको बैचलर डिग्री की आवश्यकता होने वाली है। यदि आपकी जो उम्र 30 साल है, 18 से 30 साल के बीच है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। यदि बात करें तो स्टेनोग्राफर के लिए, तो स्टेनोग्राफर का जो आपका एज का क्राइटेरिया है, यदि आपने 10+2 पास कर लिया तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए आपकी अदर कोई क्वालिफिकेशन नहीं होने वाली है। इसमें आपकी टाइपिंग होने वाली है, जो आपकी हिंदी की टाइपिंग हो 30 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश की टाइपिंग 35 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। इसका जो आपका एज का क्राइटेरिया है वो 18 से 27 साल के बीच आपका एज का क्राइटेरिया होने वाला है। यदि आप अप्लाई करते हो जूनियर असिस्टेंट के लिए, तो इसके लिए भी आपको 10+2 की आवश्यकता होने वाली है। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। इसमें भी आपकी टाइपिंग होने वाली है, इंग्लिश की टाइपिंग 35 वर्ड प्रति मिनट, हिंदी की टाइपिंग 30 वर्ड प्रति मिनट होने वाली है। उसका भी आपका जो एज का क्राइटेरिया है वो 18 से 27 साल के बीच आपका एज का क्राइटेरिया होने वाला है। यदि आप अप्लाई करते हो ड्राइवर के लिए, तो ड्राइवर के लिए भी आपको 10+2 की आवश्यकता होने वाली है। यदि आपने बैचलर डिग्री कर ली है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसके लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होने वाली है। यदि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसका जो आपका एज का क्राइटेरिया है वो 18 से 35 साल के बीच आपका एज क्राइटेरिया होने वाला है। इसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए मोटर व्हीकल ड्राइविंग का। यदि आप अप्लाई करते हो देखिए जूनियर इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियर के लिए, तो इसके लिए आपको 10+ यदि आपका इसमें डिप्लोमा की आवश्यकता होने वाली है, यदि आपने डिग्री कर ली है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। जो आपको डिप्लोमा होना चाहिए वो इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। आपका एज का क्राइटेरिया 18 से 30 साल के बीच आपका एज का क्राइटेरिया होने वाला है। यदि आप अप्लाई करते हो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तो इसके लिए आपको डिग्री की आवश्यकता होने वाली है, बी या बी टेक की आपको आवश्यकता होने वाली है। इसका जो आपका एज का क्राइटेरिया है वो 18 से 30 साल के बीच आपका एज का क्राइटेरिया होने वाला है। यदि आप अप्लाई करते हो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, तो इसके लिए भी आपको डिग्री की आवश्यकता होने वाली है, प्लस आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। यदि आप डिप्लोमा से अप्लाई करते हो, तो आप इसके लिए डिप्लोमा से भी अप्लाई कर पाएंगे। एज का क्राइटेरिया 18 से 30 साल के बीच आपका एज का क्राइटेरिया होने वाला है। यदि आप अप्लाई करते हो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए, तो इसके लिए आपको ओनली
हाई इंटरमीडिएट की आवश्यकता होने वाली है। यदि आपने इंटरमीडिएट कर लिया तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसका आपका आपका जो इसका क्रिटेरिया है वो 18 साल से लेकर 30 साल के बीच आपका इसका क्रिटेरिया होने वाला है। यदि आप अप्लाई करते हो लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए तो इसके लिए आपको ओनली हाई स्कूल की आवश्यकता होने वाली है। यदि आपने हाई स्कूल पास कर लिया तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसका क्रिटेरिया 18 से 30 साल के बीच आपका इसका क्रिटेरिया होने वाला है। यदि आप अप्लाई करते हो नर्सिंग ऑफिसर के लिए तो इसके लिए आपको बैचलर डिग्री की आवश्यकता यानी बीएससी की आवश्यकता होने वाली है। यदि आपके पास बीएससी है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसका जो आपका एज का क्रिटेरिया है वो 18 से 35 साल के बीच आपका एज का क्रिटेरिया होने वाला है। यदि आप अप्लाई करते हो लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए तो इसके लिए आपको ओनली हाई स्कूल की आवश्यकता होने वाली है। यदि आप देखिए आप इसका जो और भी आपको कोई डाउट बचा हुआ है तो आप उसको ऑप्शन नोटिफिकेशन को पढ़कर अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। बात कर लेता हूँ आपकी देखिए टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की, तो आपको टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 17 होने वाली है। अब बात कर लेता हूँ किस पोस्ट की आपकी कितनी रिक्रूटमेंट होने वाली है। देखिए आप देख सकते हो आपके असिस्टेंट रजिस्टर की आपकी 2 पोस्ट हैं, सेक्शन ऑफिसर की आपकी 1 है, सीनियर असिस्टेंट की 6 है, फार्मासिस्ट की आपकी 6 है, असिस्टेंट की आपकी 6 है, ड्राइवर की आपकी 2 पोस्ट होने वाली है। यदि आप अप्लाई करते हो देखिए जूनियर इंजीनियरिंग के लिए, जूनियर इंजीनियरिंग के लिए तो आपकी 1 पोस्ट है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की 4 है, टेक्निकल असिस्टेंट की 10 है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की आपकी 1 पोस्ट है और लेबोरेटरी अटेंडेंट की आपकी 8 पोस्ट होने वाली है। यदि आप नर्सिंग की वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हो नर्सिंग ऑफिसर की आपकी 5 वैकेंसी है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की आपकी 1 वैकेंसी होने वाली है। यदि आप देखिए आपका जो एड्रेस होने वाला है जहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना होगा, दिल्ली के लिए आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना होगा। अब बात कर लेता हूँ इसके साथ साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, जिस भी आपको जो भी आप क्वालिफिकेशन से अपना अप्लाई करते हो, तो हाई स्कूल से अप्लाई करते हो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट से अप्लाई करते हो इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा से अप्लाई करते हो तो डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, यदि ग्रेजुएशन से अप्लाई करते हो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, आपको आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र के साथ साथ आपको इसमें पासपोर्ट साइज फोटो आपको एक अलग से रखना होगा। आपको इसमें 25-25 रुपये का अपना डाक टिकट लगाना होगा। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। यदि डाउट बचा हुआ है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलता हूँ किसी एंड वीडियो के साथ में, तब तक लीजिए जय भारत।